आज हम बनाने वाले हैं प्रोटीन पाउडर की रेसिपी, जो कि एक बहुत ही हेल्दी और इजी ब्रेकफास्ट है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हंग्री शेफ कर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रोटीन पाउडर बहुत ही जल्दी और आसानी से घर पे बन जाता है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। रोज़मर्रा की डाइट में जो प्रोटीन की कमी रह जाती है, अगर इस पाउडर को खाए ब्रेकफास्ट में तो वो कमी पूरी हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है मेलन सीड्स, इसे हम मगज भी कहते हैं। उसके बाद हमने लिया है फ्लैक्स सीड्स, जिसे हम हिंदी में तीसी भी कहते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आप इसे क्या कहते हैं। उसके बाद हमने लिया है पम्पकिन सीड्स, ये बहुत हेल्दी होते हैं और हाई प्रोटीन होते हैं। इसके बाद मैंने लिया है चिया सीड्स, चिया सीड्स का भी प्रोटीन कंटेंट बहुत ही हाई होता है। तो इन सारे सीड्स को मैं लो फ्लेम पे रोस्ट कर लूँगी। आप इसे 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पे रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप इसे लगातार चलाते रहे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा और इसका टेस्ट थोड़ा सा जला हुआ हो जाएगा। तो आप आराम से इसे 2-3 मिनट तक चला के रोस्ट कर लें। तो ये देखिए हमारे सीड्स लगभग रोस्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें एक बोल में खाली करके ठंडा होने दूंगी। ध्यान रखिए कि आपको गरम सीड्स को कभी भी नहीं पीसना है, हमेशा उसे ठंडा होने दें फिर आप उसे पीसें। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे सीड्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लूँगी। तो ये मैंने डाल दिया है वॉलनट, जिसे हम अखरोट कहते हैं, और उसके बाद मैंने डाला है आमंड। वॉलनट मैंने लगभग 50 ग्राम लिया था और आमंड्स, जिसे हम बादाम भी कहते हैं, मैंने लगभग 80 ग्राम लिया है। इसे भी हम नट्स की तरह अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे भी आपको लो फ्लेम पे धीरे धीरे रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है आपको, नहीं तो ये जल जाएगा और आपके प्रोटीन पाउडर का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। ये जो प्रोटीन पाउडर हम बना रहे हैं, इसे आप ड्राई फॉर्म में दूध के साथ, पानी के साथ, स्मूदी बना के पी सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट मील है। मैं तो इसे वीक में 2-3 दिन ज़रूर लेती हूँ, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ हम नट्स ऐड कर देंगे और अब इसे भी अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो हमारे नट्स और सीड्स ठंडे हो गए हैं। अब इसे मैं मिक्सर जार में डाल दूंगी और इसका हम एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए ऐसा फाइन पाउडर बना लेना है आपको। तो ये हमारा प्रोटीन पाउडर लगभग रेडी है। अब ये देख सकते हैं ये एक फाइन पाउडर बन गया है, बिल्कुल ऐसा ही फाइन पाउडर बनाना है आपको। तो अब मैं इसे एक बोल में खाली कर लूंगी। इसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड करूंगी, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर बहुत लोग इसे मिल्क के संग पीना नहीं पसंद करते हैं। तो आप अगर इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी एनहांस हो जाएगा और आप इसे पानी के साथ भी स्मूदी बना के पी सकते हैं। तो मुझे इसको थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर देना है, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करूँगी।
मिल्क पाउडर मैंने लगभग 4 टेबलस्पून ऐड किया है इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट स्वीटन मिल्क पाउडर होने से आप कम ऐड करें। मैंने यहाँ पे स्वीटन लिया है, अनस्वीटन आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं आप चाहे तो। इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर ले, और अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ये 1 से 2 दिन आराम से चल जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे रखने से। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसे अच्छे से जार में या किसी कंटेनर में भर के रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने से ये काफ़ी देर चलता है। तो ये देखिए मैंने काफ़ी क्वांटिटी में बनाया है प्रोटीन पाउडर, तो इसे मैं अब इस जार में स्टोर कर लूँगी। इसे आप धीरे धीरे आराम से भर लें। तो ये देखिए मैंने प्रोटीन पाउडर को जार में भर दिया है, और ये हमारा हेल्दी ईजी एंड क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी रेडी है। आपको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है ताकि आपके डाइट में आपका प्रोटीन का बैलेंस बना रहे। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये बेस्ट सब्स्टिट्यूट है हमारे डाइट में। प्रोटीन पाउडर या अलग कोई भी चीज़ कंज्यूम करने से बेटर है आप इस तरीके से प्रोटीन सीड से प्रोटीन पाउडर बनाएं और कंज्यूम करें। तो यहाँ मैं आपके साथ इस प्रोटीन पाउडर से एक स्मूदी की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ जो मैंने उसी प्रोटीन पाउडर से बनाया है जो अक्सर मैं ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ। तो ये मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है हमारी स्मूदी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ जो प्रोटीन पाउडर बनाया था उसमें से 2 बड़े चम्मच प्रोटीन पाउडर ले लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रूट्स में एक बनाना ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हैं, मेरे घर पे बनाना था तो मैं बनाना ऐड कर रही हूँ। आपको जो फ्रूट पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ओट्स ऐड करूँगी। ओट्स हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे स्मूदी को ये एक थिकनेस देता है। स्वीटनेस के लिए मैं इसमें डेट्स ऐड करूँगी। इस खजूर को मैंने रात में ही पानी में सोख करके रख दिया था, तो ये हमने खजूर ऐड कर दिया। तो मैं अपनी स्मूदी दूध की जगह पानी में ही पसंद करती हूँ, तो यहाँ पे मैं दूध ऐड नहीं करूँगी अपनी स्मूदी में। यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी अपनी स्मूदी में। तो मुझे 1 कप स्मूदी बनाना है तो मैंने 1 कप से थोड़ा कम पानी लिया है क्योंकि स्मूदी काफ़ी थिक होता है और वो पूरा 1 कप भर जाएगा। तो इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। और अब इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से चर्न कर लूँगी। तो ये सिरप को भी आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं इसे थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए और डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो हम अपने स्मूदी मग को चॉकलेट सिरप से थोड़ा कोट कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने मग में चॉकलेट सिरप लगा दिया है। तो ये हमारा स्मूदी बिल्कुल रेडी है। मैं इसमें थोड़ा चॉकलेट सिरप ड्रिजल कर लूँगी। और हमारा प्रोटीन रिच, वेरी हाई इन प्रोटीन स्मूदी रेडी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में ज़रूर 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 ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ये बहुत ही फिलिंग होता है और उसके साथ साथ बहुत ही हाई प्रोटीन स्मूदी है, और आपके हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को ये बहुत अच्छे से पूरा करता है। तो अगर आपको लगता है आपके डाइट में आप प्रोटीन मिस कर रहे हैं तो इस स्मूदी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।